अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में, जिसका नाम है लो सांबो। والعود دن 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 لي وقبل طب طب طبني طب 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 और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे बुलाएं मिलाद शरीफ की महफिलों में, उसके बदले मुझे नतराना दें, चार पैसे हो जाए तो बगदाद चला जाऊं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कर करके इन्होंने दिमाग खराब किया है। अभी इस साल मैं तकरीबन चार मरतबे बगदाद शरीफ गया हूं। तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें? हुजूर गौस पाक की बारगाह में, गौस पाक मेरी जिंदगी है, गौस पाक मेरी जान है, गौस पाक मेरा ईमान है। खुदा की कसम, मैं सोचता हूं कि लोग मुझे कहते हैं आइए मेरा घर देख लीजिए, घर में 20 लाख रुपए लगाए रखते हैं, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद के इमाम को कभी बगदाद लेके नहीं गए। आहा आहा, बहुत चंगा ना मैं। मुझे अफसोस होता है किसी मौजिन को कभी बगदाद लेके नहीं गए। को पैसा बर्बाद पे है। अरे भाई भाई भाई, क्या मुझे अफसोस होता है। ए मेरे दोस्तों, बगदाद जाने की ख्वाहिश रखोगे इंशाल्लाह, दिल से बोले और दस रहे तो बैठ जाए, ये पैसे रखे बगदाद जाने में काम आएंगे। मुझे क्या, मुझे तो आप अपने पैरों की मिट्टी दे दें वो काफी है माशाल्लाह। चंदा के सिवा हर चीज गोसे पाक से ही मांगते हैं। हाय हाय हाय, चंदा गोसे पाक को मंगो ना जाके, चंदे के लिए तो हजारों बॉक्स लगाए हैं, ये भी गोसे पाक को मंगो ना। तुम लोग सिर्फ अपने बुजुर्गों की दोसे में लगा सकते थे, वो भी खत्म हो गई। देखो मैं कैसा फड़े इन्होंने, बाबा जी खादम रिज़वी साहब, इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए के नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही। इमाम मालिक फरमाने साहब, फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी, पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पहरा दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। उम्मत बेचारी सहमी हुई, मैं फ्रांस में करके तो अड़ना लगा दे बंदे, उम्मत मर जाए। इनको पूछो तेरे घोष कितने नहीं, जिन्होंने दुनिया की ड्यूटियां संभाली हैं, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ावा। बताएं ईमानदारी से, क्या घोष को तो बदल ले अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ावा? अगर आज गुस्ताखाना कार्टून और फिल्में बन रही है, वो घोष कितना मर गया जिन्हें ड्यूटी है यूट्यूब आर्टिस्ट को थे, और दिखा मारे नजर निधा भी क्या है बाबा, सिर्फ उम्मत मर जाए। सब तो पहले घोष को तो बदल मरण, बल्कि कहना चाहिए कुत्ते की मौत मरण, क्योंकि उन्होंने इख्तियार थी, आवाम को इख्तियार ही कोई नहीं मारने का। पहले दो कुत्ते की मौत मरण के जिनके पास इख्तियार था, उन्होंने अपने नबी की गुस्ताखियां होते हुए देखी और वो डिलीट नहीं करवा सके। इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत मरे, उम्मत क्यों मरे, तुझे ना मर जाओ पहले, थोड़े बड़े ना मरण, फ्रॉड में जाके रखे आज जरूरत पड़ी है, सारे बुजुर्ग मर गए। मगर अहम बात यह है कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह वो पहले मुसलमान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1896 में अपनी बुक में, जिसका नाम अस्समसामु अला मुशक्की फी आयती उलूमिल अरहाम है, उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन का फॉर्मूला बयान किया गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। हजरत अबू अली शाह कलंदर, हजरत हज पे जा रहा हूँ, कुछ नसीहत फरमाई, कहा हज पे जाओ, अराकीन हज कम, अरे तू जा रही, मुकम्मल करना तरीके से आराम से, फिर मस्जिद नबवी जाना, मदीने शरीफ जाना, हाजिरी देना, और जब कोशिश करना मदीने शरीफ हो तो वहाँ किसी को तकलीफ ना पहुँचाना, चाहे वहाँ का कुत्ता ही क्यों ना हो, इसलिए कि अगर कुत्ते को वहाँ तकलीफ पहुँच गई तो सब कुछ जाया हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके भाई, सब कुछ जाया हो जाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बहरहाल रो गया, हज किया, जब मदीने शरीफ से वापस आ रहा था तो एक भीड़ आई, उसको धक्का लगा, कुत्ते पे जाकर गिर गया, कुत्ते को चोट लगी, पीरो मुर्शिद की बात याद आई तो फौरन कुर्ता फाड़ा, पट्टी को कुत्ते को पट्टी किया, मरहम पट्टी करके हजरत की बारगाह में वापस आया। हजरत कहा हज हो गया, हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे। What the hell? हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे, हजरत हज हो गया, सारा किस्सा बताया, फिर हजरत से कहा हज हो, लेकिन एक गलती हो गई मेरी वजह से, मदीने के कुत्ते को चोट लग गई, हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था, कुत्ते का पिल्ला।
यही सवाल आप मुझसे 100 110 दिन बाद पूछिए, मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा। चीन टपाक डमडम, चीन टपाक डमडम। फिर के आ रहे नहीं, असी अहले सुन्नत वा जमा। और ये भी सुने हैं, बस वो धोबी के कुत्ते बनते हैं, ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, जमा। सुने सही बुखारी हदीस नंबर 2812, 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 हदीस नंबर 2812, हदीस नंबर 2812। ठीक है, आपके गले में तो फंसेगी ना, हमारे गले में कोई चीज फंसे ना तो उसको निकालने के लिए ये हमने 2812 रखी हुई है। ये मैंने अपनी बॉटल के ऊपर लिख के लगाया हुआ है 2812। पप्पा जानी के मुरीद हो? सच्चे बरेलवी तुम तभी बनोगे जब कुरान और हदीस के बिल्कुल ऑपोजिट चीजें करोगे। याद रखना, जब भी तुम्हें कोई हक की बात बताए तो उसको वहां भी कहकर इग्नोर कर देना। जब तक दिन में 10 घंटे मदनी मुजाकरा नहीं देखोगे तब तक खालिस बरेलवी कैसे बनोगे? ज्यादा से ज्यादा मजारों दरबारों पे जाके माथे रगड़ो। नमाज, तौहीद, ये सब फॉलो मत करना। दिल से कब्र परस्ती करके शिर्क करो, शैतान खुश होगा, शाबाशी देगा। धोबी बनोगे? Yes, sir! शिर्क करोगे? Yes, sir!